हेलो नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार शर्मा। साथियों, मैं आपको आज शनि की महादशा और साढ़े साती के विषय में विस्तार से कुछ बताना चाहूँगा कि शनि की साढ़े साती क्या है और शनि की महादशा क्या है। सामान्यतः आम आदमी शनि की महादशा और साढ़े साती की बात सुनते ही थरथराने लगता है, कांपने लगता है, डरने लगता है। उसे ही लगता है कि उसका कुछ उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वो दुखी हो जाएगा। लेकिन आज मेरा पूरा वीडियो देख के आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शनि की महादशा और शनि की साढ़े साती के विषय में कई बातें लोगों ने बहुत भयानक कही है जो सत्य नहीं है। साथियों, शनि ग्रह है ज्योतिष में, आप जानते हो, और शनि ग्रह शांति के ढेरों उपाय हैं। शनि की महादशा और साढ़े साती के विषय में आगे मैं और उपाय से बता रहा हूँ। शनि, सबसे पहले चीज ये जान लें कि शनि की महादशा में या शनि की साढ़े साती में किसी प्रकार के भयभीत ना हो। शनि हर एक मानव के जीवन में शनि की साढ़े साती आती है, शनि की महादशा लगती है, तो इस प्रकार से इसका ये मतलब नहीं कि वो मानव जो है पूरा बर्बाद हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। ये सब भ्रांतियां हैं और भयानक तरीके से लोगों को डरा दिया गया है, जिसके वजह से एक आम जो मानव है शनि के नाम से ही डरता है। शनि की महादशा कुल 19 वर्ष चलती है। जब दशा प्रारंभ होती है तो कुछ परेशानियां अचानक बढ़ जाती है और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। आपको डरना नहीं, संकट का सामना करना है। शनि की साढ़े साती कुल 7.5 वर्ष की होती वर्ष चलती है और जब साढ़े साती प्रारंभ होती है तो कुछ परेशानी अचानक बढ़ जाती है। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। आपको डरना नहीं है, संकट का सामना करना है। साढ़े साती के बारे में साढ़े साती के बारे में बताना चाहता हूँ कि साढ़े साती कब प्रारंभ होती है। सामान्यतः 12 राशियां होती हैं ज्योतिष में, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस तरीके से 12 राशियां होती हैं। जैसे कि वर्तमान में आप जानेंगे कि शनि जो है वृश्चिक में चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब जिसका शनि वृश्चिक में चल रहा है उसकी साढ़े साती का दूसरा ढैया चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही शनि धनु में जाएगा तो उसका साढ़े साती का तीसरा ढैया चलेगा और 2.5 साल होने के बाद यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी शनि धनु में जैसे जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष चलता है। यदि मान के चलिए कि मेरी मीन राशि है, तो मीन राशि है तो मुझे शनि कब प्रारंभ होगा? जैसे ही शनि शनि कुंभ राशि में आएगा तो मेरा शनि का प्रारंभिक ढैया चालू हो जाएगा, जो 2.5 साल चलेगा। जब शनि मीन में आएगा तो 2.5 साल यहाँ पे मुझे शनि का दूसरा ढैया चलेगा, और जब शनि मेष में आएगा तो ये 2.5 साल में तीसरा ढैया चलेगा, जिसको बोलते हैं कि पाया में आ गया, पैर में आ गया, तो 2.5 साल बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से शनि का कुल रन होगा 7.5 साल, है ना। यदि किसी व्यक्ति की साढ़े साती प्रारंभ होती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो बर्बाद हो जाएगा। कुछ टाइम ऐसा थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन ये नहीं कि पूरा तहस नहस ही हो जाएगा। तो लोगों ने जिस तरीके से डरा रखा है तो मानव, सामान्यतः मानव बहुत डरता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ शनि की महादशा। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को शनि की महादशा लगे। कुछ लोग, कई ऐसी कुंडलियाँ रहती है जिसमें शनि की दशा आती ही नहीं है, जिसमें गुरु की दशा नहीं आती, किसी में बुध की दशा नहीं आती, किसी में केतु की दशा नहीं आती है। तो शनि की महादशा सभी को नहीं लगती। किसी की कुंडली में शनि इस प्रकार से ग्रह योग होते हैं कि शनि की दशा ही नहीं आती, महादशा ही नहीं आता। तो जिस व्यक्ति की शनि की महादशा प्रारंभ है, ये चलने वाली है या आने वाली, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब शनि की जैसी प्रारंभ होती है तो 1-2 महीने थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। और शनि के शांति के उपाय भी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं आपको शनि का जो डर है वो ख़त्म करूँ। देखिए भाइयों, शनि ज्योतिष में वृहत पाराशर होरा शास्त्र, जो ऋषि पाराशर ने लिखा एक ग्रंथ है जिसमें शनि शांति के उपाय आखिरी अध्याय में बताया गया है। उसमें कई प्रकार के स्त्रोत और पाठ करने से शनि की शांति ये बताया गया है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आम जनता की मदद करने से शनि की शांति होगी, ये 100% सत्य है। शनि बदमाश लोगों को और गलत लोगों को
पनिशमेंट देता है, आम आदमी सज्जन आदमी को पनिशमेंट नहीं देता है। आम जनता की मदद से भी ग्रह शांति होती है, आम जनता की मदद से भी ग्रह शांति हो, ये नोट कर लें। जो गरीब व्यक्ति तड़प रहा है, जो इसको भोजन खाने को नहीं है, वृद्ध माता पिता है, अपने गुरुजन है, अपने से वरिष्ठ है, वृद्ध व्यक्ति है, हॉस्पिटल में जाके मदद करिए। जो कुपोषित बच्चा है, आंगनवाड़ियों के बच्चे हैं, गरीब अनाथालय के बच्चे हैं, जो विकलांग जन हैं, उनकी मदद करने से शांति मिलेगी, ना कि बहुत महंगी महंगी पूजा करने से, दुष्ट लोगों के पेट भरने से, है ना। आपको कोई कर्मकांड यदि पूजा बजाता तो बताता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप छोटी सी पूजा उससे जरूर करा लीजिए, आपके मन को शांति रखने के लिए। यदि आपको ऐसा लगता है, वैसे ही कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने तो आपका दिमाग फिरा दिया है। जब तक नहीं कराओगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए बहुत बिल्कुल 500 100 रुपये की, 200 रुपये की शांति छोटी सी करा लीजिए, इसके बाद लोगों की भरपूर मदद करिए, शनि आपकी मदद करेंगे, ये 100% सही है। देखिए, कई उपनिषद का सार तत्व मैं आप बताना चाहता हूँ। उपनिषद में लिखा है कि जीव ही ब्रह्मा, यदि जीव ही ब्रह्मा है तो सभी की हम मदद करेंगे, तो हमारे ग्रह शांति होगी, हमारे जितने प्रकार के ऋण हैं हम उन सभी ऋणों से पूर्ण हो जाएंगे। पृथ्वी माता का ऋण है, माता का ऋण है, पिता का ऋण है, धरती माता का ऋण है, दुनिया के जितने ऋण हैं सभी प्रकार के ऋण शांत हो जाते हैं लोगों की मदद करने से, और देवता नृत्य करने लगते हैं, ऐसा नारद भक्ति सूत्र में लिखा है। शनि शांति के उपाय और शनि के 7.5 के उपाय के रूप में माता पिता अतिथि गुरु देव वृद्ध मानव कमजोर मानव गर्भवती माता की सेवा गरीबों को भोजन, ये सब कराने से शनि की शांति होगी, और आप यदि 7.5 चलती होगी उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। वेदों में जो श्रुति है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद उपनिषद और स्मृति मनुस्मृति रामायण महाभारत पुराण, सभी का सार ये है कि जीव ही ब्रह्मा है, और एक जीव की मदद करो, मानव की मदद करो। यदि आप मानव की मदद करेंगे तो आपका कोई ग्रह आपका नहीं बिगाड़ सकेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। और जिस तरीके से शनि का डर बनाया गया है लोगों से, और बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं सड़कों पर, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, ये लूट खसोट का तरीका है यो। और शनि ग्रह जो है पूजने वाला ग्रह नहीं होता है, शनि तो एक साधारण सा ग्रह होता है, पूजने के लिए ईश्वरी देवता होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण है, विष्णु है, पंचदेव पूजा है, वही पूजे जाते हैं, शनि पूजे नहीं जाते, ना शनि के मंदिर बनाए जाते, ये ठगी के धंधे हैं। और शनि से कतई ना डरें, शनि कभी किसी को परेशान नहीं करता। हर एक मानव के जीवन में कुछ संकट का होता है, उस वो प्रॉब्लम पूरी दुनिया में सभी को आती है, कभी आपको अकेले ही नहीं आती वो। भाइयों, इस तरीके से मैंने नवग्रह शांति के उपाय बता दिया हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, हरे कृष्णा।